जय श्री राम प्रेमी भक्तों, पिछले जन्मों के पाप नष्ट होने से पहले यह संकेत जरूर मिलते हैं। देखिए भक्तों, जब तक इस संसार के जितने भी जीवात्मा हैं, मनुष्य हैं, जब तक पिछले जन्मों के पाप नहीं नष्ट होते हैं, तब तक दुखी दुख रहता है। और जब पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाता है, तो सुख का आगमन हो जाता है, सुख अपने आप मिलने लग जाता है। तो कुछ हमारे साधकों ने, संतों ने, भक्तों ने संकेत बताए हैं। वह संकेत यह है कि जब पाप नष्ट होने का समय आता है, और उस समय आपको दुख जरूर रहता है, तो उस समय थोड़ा थोड़ा आपको सुख मिलना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ा संकेत है, लेकिन इस पर आप लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि दुख बहुत जाता है, ज़्यादा है, और सुख थोड़ा सा आ गया, तो आप महसूस नहीं कर पाते हैं कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, नष्ट होने जा रहे हैं। और धीरे धीरे जब पाप ज़्यादा नष्ट हो जाते हैं, 50% पर आ जाते हैं, तो आपको पता लग जाता, उससे पहले आप ध्यान नहीं देते। अगर आप ध्यान दें तो आपको पता ज़रूर लगेगा। दूसरा ये है कि जब आप कहीं जाते हैं, किसी से बातें करते हैं, तो बहुत से धनी व्यक्ति होते हैं, अभिमानी होते हैं, वह अपनी बात मनवाने के लिए और प्रेशर डालते हैं, अपमान करते हैं। तो बंधुओं, आपको पता ही नहीं चलता है, कुछ बातें आपके मुंह से ऐसी निकल जाती हैं कि सामने वाले को थोड़ा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि ये संकेत है कि जब पाप नष्ट हो जाते हैं, होने लगते हैं, तो ये संकेत अपने आप नज़र आने लग जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे संकेत थे। आप कोई काम करते हैं, उसमें आपको हानि हो रही है, थोड़ा थोड़ा लाभ होना शुरू हो जाता है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए। अगर आपको 90% हानि हो रही है और 10% लाभ होने लग जाए, और वह लगातार होने लगे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे पाप नष्ट होने का समय आ गया है और पुण्य उदय होने का समय आ गया है। तो बंधु, आप अपने आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये संकेत हमारे संतों ने, साधकों ने जो बताए हैं, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा आप ध्यान करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आने लगेगा। तो बंधुओं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये समय तो परिवर्तनशील है, ये सब के साथ चलता रहता है। आप हताश ना हो, थोड़ा सा अपना बुद्धि का प्रयोग करें, तो आपको अपने आप ही पता चलेगा कि इन संकेतों के द्वारा कि हमारे पाप नष्ट होने वाले हैं और पुण्य उदय होने वाले हैं। इस जिस तरह से सूर्य निकलते ही और अंधकार ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे जब दिन निकलता है तो अंधेरा कम होता है, और उसके बाद में फिर सूर्य थोड़ा निकलता है तो और कम होता है, और जब सूर्य पूरा निकल जाता है तो अंधकार बिल्कुल 100% लुप्त हो जाता है। ऐसे ही जब हमारे पाप नष्ट होने लग जाते हैं, तो ये संकेत मिलते हैं, और पाप नष्ट होते ही, हमारे पुण्य उदय होते ही, हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।